मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कटवर्क की डिज़ाइन, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये अपन बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं आज इस सीज़न में। जो मैंने नई डिज़ाइनें सीखी है और जो मैंने बहुत सारी देखी है, बहुत सारी डिज़ाइनों में देखी है, वो चीज़ें मैं आपके साथ इस बार शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ये एक ऐसी डिज़ाइन है जो काफ़ी देखने में आई है और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की है। इसके साथ ही मैंने बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें भी देखी है, तो वो भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अब अपन देख लेते हैं कि ये डिज़ाइन अपन कैसे बनाएंगे और इसमें अपन क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं कौन से पॉइंट कवर करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है और इसे बनाते वक्त किन बातों का अपन को ध्यान रखना है, इसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपन कैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस बार। इस डिज़ाइन में मैं यूज़ करूँगी वो सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। आपको मैं नेगेटिव फिलअप का डिज़ाइन सिखा चुकी हूँ, कमल का डिज़ाइन अपन कैसे बनाएंगे नेगेटिव फिलअप में, वो चीज़ अपन इसमें ऐड करने वाले हैं। साथ ही अपन इसके साथ लाइन चलाएंगे और कंगूरे की डिज़ाइन चलाएंगे, जो अपन कॉमन हर डिज़ाइन में चलाते हैं, तो उससे ही डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगती है। ये चीज़ मैं आपको पहले काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो जितने अच्छे से अपन उसको यूज़ करते हैं काफ़ी डिज़ाइन वैसे अच्छी लगती है। वो अपने ऊपर है कि अपन उसको किस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने सेम वही चीज़ की है। यहाँ पे अपन ने कमल का डिज़ाइन यूज़ किया है और साथ ही लाइनें और कंगूरी की डिज़ाइन अपन यूज़ करने वाले हैं। कमल की डिज़ाइन और बाकी लिप्स का डिज़ाइन, सर्कल का डिज़ाइन, जितना परफेक्ट बनाओगे उतना ही ये डिज़ाइन अच्छा लगने वाला है। तो इस चीज़ का अपन को प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक और चीज़ पे नोटिस करना है कि इस बार जो चीज़ नई है वो ये है कि अपन ने जो डिज़ाइन अपन बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि दोनों डिज़ाइन, जैसे मैंने दो कमल के डिज़ाइन बनाए हैं, तो उसकी जो पत्ती की जो लाइन है, पत्ती की यहाँ पर जो अपन कमल की डंडी बोल सकते हो उसको, कमल की डंडी जो है वो एक दूसरे में से निकलती हुई दिख रही है, जो कि पहले अपन नहीं करते थे। अभी तक जो डिज़ाइनें बनती थी वो सिंपल सिंपल बनती थी, वो एक दूसरे में निकलती हुई नहीं बनती थी। इस बार जो कि नया मार्केट में देखने में आया है वो चीज़ ये है कि वो एक दूसरे में से निकलती हुई एक डिज़ाइन बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और कुछ नया लुक देती है डिज़ाइन को। सबसे मेन इस वाली डिज़ाइन में अभी ये चीज़ है, जो कि उसकी डंडी है वो एक दूसरे में से निकलती हुई दिख रही है। ऐसी और डिज़ाइन मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। ये अपने लिए डेमो क्लास है, जो कि बिगनर्स के लिए आप समझ सकते हैं या फिर अपन प्रैक्टिस करने के लिए समझ सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रखा है ताकि अपन को ईजीली समझ आ पाए और मैं आपको ईजीली समझा पाऊँ कि ये चीज़ कुछ इस तरह से है। पहले जो अपन कमल के डिज़ाइन यूज़ करते थे वो डायरेक्ट डंडी डायरेक्ट सीधी सीधी आती थी, कोई भी एक दूसरे को काटती हुई लाइन नहीं बनती थी। और अभी जो अपन ने यूज़ की है उसको अपन ने पीछे वाली लाइन को कुछ ऐसा बनाया है कि आगे वाली जो कमल का डिज़ाइन है उसकी जो डंडी है वो पीछे वाली को क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आप क्रिएट करते हो तो वो थोड़ा सा दिखने में यूनिक लगता है और ये पूरा बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसका बड़ा डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आगे अपन सीखते जाएंगे, काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन लगता है। अब इस डिज़ाइन में अपन ने क्या चीज़ नहीं है वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ नहीं है। एक और जो ये कटवर्क की डिज़ाइन है, टोटली ये कटवर्क की डिज़ाइन है, तो उसमें अपन ने जो बाहर की लाइन है उसमें से अपन जो डिज़ाइन बना रहे, कमल का डिज़ाइन हो गया या इसके अलावा अगर दूसरा कोई डिज़ाइन बनाते हैं अपन, तो उसमें जो भी डिज़ाइन बनाया है वो इस लाइन से थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। टोटली जो अपन तीन लाइन अपन ने क्रिएट किए कंगूरे से पहले, वो अपन को कमल के डिज़ाइन को बाहर निकालते हुए दिखानी है उसको, ताकि वो कटवर्क की डिज़ाइन कहला सके। ये बाहर जाती हुई जो डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत अट्रैक्टिव लगी मेरे को ये डिज़ाइन, बहुत ही सोबर और बहुत ही सुंदर। सेम पहले जो अपन बनाते थे वही डिज़ाइन है, बस उसको हल्का सा अपन ने डिज़ाइन को बाहर निकालते हुए दिखा दिया है और काफ़ी सुंदर
सुंदर ये लुक दे रही है। आप इसे चाहो तो पूरा कवर कर सकते हो, पर ये डिज़ाइन अभी काफ़ी चल रही है तो मैं कोई ऐसा बनाना था तो मैंने वैसा ही क्रिएट किया है। अगर आपको नहीं समझ आता है कि उसको बाहर कैसे दिखाना है तो पहले आप नॉर्मल में सीख लो, उसके बाद आप ये वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो। अब इसको पूरा डार्क लाइन ड्रॉ करनी है, पूरा होने के बाद उसके बाद अपन डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे पहले अगर आप करते हो तो डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो लाइन सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगी। पूरी कंप्लीट होने के बाद उसका बाहर से ड्रॉ कर देना और फिर अपन इसको फिल कर देंगे। ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। कोई भी डिज़ाइन अपन कोई भी इसमें शेप लेते हैं तो उसमें जो डिज़ाइन आप अंदर बना रहे हो उसको हल्का सा बाहर आपको रखना है लाइन से, ताकि उसको अपन कटवर्क का लुक दे सके। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। और बस फीलिंग का इसका ध्यान रखना है कि अपन को उसको लाइट लाइट एक जैसा फील करना है। फीलिंग अगर आप प्रॉपर अच्छे से करोगे, हर चीज़ को आप अच्छे से ड्रॉ करोगे, छोटा करोगे और अच्छे से करोगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट बड़े पे ट्राई करते हो तो आपको थोड़ा सा उसको बनाने में दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको छोटा ही बताया ताकि आपको ये टिपिकल ना लगे और बहुत आपको इसको दिक्कत ना आए इसको बनाने में। बस मेरा ये छोटा डिज़ाइन बनाने का यही रीज़न था। एक और डिज़ाइन इसमें अपन ट्राई करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, ऐसा ही है, अपन शेप थोड़ा सा चेंज रखेंगे। जैसे पहले अपन अपने काफ़ी ब्राइडल स्टार्टअप देखे होंगे जो कि केरी के शेप में बनते हैं, तो ये अपन थोड़ा सा वैसे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रहे। वो मैंने रखा प्रॉपर केरी वाला शेप है, तो अगर वो शेप नहीं बनता है आपसे तो आप पहले ये वाला ट्राई कर लीजिएगा। तो ये वाला आपने पहले बना भी रखा होगा, जिसको अपन आधी केरी के शेप में स्टार्ट करते हैं। पहले कमल का डिज़ाइन जैसा आपको आता है पहले वो ड्रॉ कर लीजिएगा। सेम आप करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्या अच्छे से किया है और कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है, वो जल्दी से पकड़ में आ जाएगी। अच्छा, अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो आपको वैसे भी ये नहीं समझ आने वाला है कि आप इसको कैसे बनाओगे, आपसे ये बनेगा नहीं बनेगा, आपसे ये कहाँ मिस्टेक दे रहा है आपको, या ये डिज़ाइन आप कैसे बनाओगे क्या करोगे, तो ये आपको वैसे भी नहीं समझ आने वाला है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको बनाने की कोशिश करोगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करोगे। तो आप इस वीडियो को देख के ही बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आप बना पाओगे। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करो ताकि आप इसे इजीली बना पाओ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन इतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन लाइन की मिस्टेक कर देते हैं कि मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ, आप कहाँ पे उसको शुरू कर रहे हो, उसका थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है अगर आप स्क्रीनशॉट देख के बनाते हो। तो इस वीडियो को देख देख के बनाओगे तो काफ़ी जल्दी और ईजीली बन जाएगा। तो जल्दी से अपन शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए? तो चलिए जल्दी से शुरू कीजिए ताकि मैं जो बता रही हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ आ पाए, और मेरे साथ ही जैसी मेरी फिनिशिंग आ रही है वैसी आपकी भी आ पाए, तो उसके लिए फटाफट शुरू कर दीजिए। अच्छा, वैसे भी ये वीडियो देखने के आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, तो इसको आप जितनी बार देखोगे आप आराम से देख सकते हो। आपको बस बैटरी ज़रूर जाएगी पर उसकी दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ बहुत ही अच्छा सीख के जाने वाले हो। तो जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको जल्दी से ये चीज़ आ जाए, ठीक है? तो ये वापस से मैंने लाइनें ले ली है जैसे मैंने पहले ली थी, बस शेप चेंज है। ये मैंने हाफ शेप लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आपसे ईजीली बन पाए। बहुत सिंपल सा ही शेप रखा है ये। आपने काफ़ी बार, अगर आपने मेहंदी बना रखी है ना तो आपने ये काफ़ी बार ट्राई किया होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला शेप लेना ज़्यादा अच्छा समझा, ताकि मेरी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ पाए। मैंने वो पूरा रखा था ताकि वो मेरे को पसंद है, वो वाला शेप मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो उसको पूरा ही रखा था। आप उसको भी बना सकते हो, पर अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप ये डेफिनेटली बना पाओगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना या आप आराम से कर पाओगे, ठीक है? कटवर्क की डिज़ाइन, जैसा मैंने आपको बोला है कि कटवर्क की डिज़ाइन में अपन को डिज़ाइन को थोड़ा बाहर रखना है, तो वैसा ही मैंने इस डिज़ाइन को बाहर रखा है।
इसमें जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, जैसे कमल का डिज़ाइन हो गया, लाइनें हो गई, कंगूरे के डिज़ाइन हो गई, डॉट्स की डिज़ाइन हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग भी सिखा रखी है। और सबको आप अगर नहीं बना पा रहे हो एक साथ, तो आप वो सारी वीडियो देख के आप उसको बना पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब की लिंक भी आपको दे दूंगी, तो आप वो चेक कर लेना अगर नहीं बना पा रहे हो तो। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो इस वीडियो को अभी पहली बार ही देख रहे हैं। बाकी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, मैंने वो भी आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। मैं आपको कमेंट में ज़रूर जवाब दूंगी कि आपको वो चीज़ कैसे बनानी है और आपको कहाँ मिस्टेक आ रही होगी और उसको कैसे कवर आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ आता है मुझे तो आपको मैं वीडियो बनाकर भी एक और बार दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हर चीज़ को आप बहुत ही स्लोली स्लोली बनाएं। अगर आपको नहीं समझ आता है, इस वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड कम करके देखेंगे तो बहुत ही आराम से और अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा, तो वो चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। और इसकी जो फिलिंग है वो अपन को बहुत ही आराम से करनी है, ताकि जो अपन ने डिज़ाइन बनाई है उसके अंदर की तरफ कोई मेहंदी का डिज़ाइन ना चला जाए, मेहंदी ना चली जाए। जो डिज़ाइन अपन ने बनाई है उसके अंदर अपन को मेहंदी नहीं फिल करनी है, उसके आसपास बाहर बाहर की तरफ जैसे मैं फिल कर रही हूँ आपको सेम वैसे ही करनी है और एक जैसी करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का इस डिज़ाइन में ध्यान रखना है, आपको इस डिज़ाइन को बनाते वक्त किन चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। फीलिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, फीलिंग जितनी अच्छी करोगे डिज़ाइन उतनी ही अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी फीलिंग भी नहीं करनी है, अपन को फीलिंग करने का बिल्कुल ध्यान रखना है और एक जैसी फीलिंग करनी है। कट वर्क के मैंने आपके साथ दो शेप शेयर किए हैं, आपको इन दोनों में से कौन से पसंद आए और आप ऐसी और भी डिज़ाइन से सीखना चाहते हो मुझसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपके साथ और भी ऐसे शेप शेयर कर दूंगी। इसकी डिज़ाइन के और भी तरह होते हैं, तरीके होते हैं बनाने के, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। तो काफ़ी सारे शेप इसमें बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो। तो अभी मैंने आपके साथ दो शेप शेयर किए हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। इन दोनों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और बहुत सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है।